दोस्तों, तो पोको F4 5G फाइनली हमारे पास में आ चुका है। वैसे एक दिन लेट आया है, जो कि फ्लिपकार्ट हमेशा मेरे साथ में करता है, बताता है कि इस तारीख को आएगा और उसके एक दिन बाद ही भेजता है। लेकिन फाइनली पोको F4 5G हमारे पास में आ चुका है और पिछले 24 घंटे से मैं इस स्मार्टफोन को यूज भी कर रहा हूं। एंड आज की वीडियो में मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाला हूं कि 24 घंटे में मेरे अनुभव क्या रहे इस स्मार्टफोन के साथ में। वैसे 24 घंटे में कंप्लीट रिव्यू देना तो पॉसिबल नहीं है, तो आज की वीडियो में कंप्लीट रिव्यू नहीं होने वाला है, एक क्विक रिव्यू मैं आपको देने वाला हूं। एंड इस फोन की अपन अनबॉक्सिंग करेंगे एंड लेटर ऑन थोड़े दिन बाद अपन इसका फुल रिव्यू भी लेकर के आएंगे। लेकिन अभी इंट्रोडक्शन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हैं, लाइक टारगेट रखते मात्र 700 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई रिव्यू को और सबसे पहले डब्बा खोल कर लेते हैं पोको F4 5G का। तो कुछ इस तरीके के टिपिकल पोको वाले बॉक्स में देखने के लिए मिलता है, ब्लैक एंड येलो थीम पर आता है। पीछे की तरफ काफी सारे स्पेसिफिकेशन मेंशन किए गए हैं, ऊपर की तरफ यहां पर प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है। एंड यस, कुछ इस तरीके का बॉक्स है। फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं एंड देख लेते हैं भाई बॉक्स कॉन्टेंट क्या मिलता है। तो सबसे पहले यहां पर आपको एक कंपार्टमेंट रखा हुआ मिलता है, जिसके अंदर डेफिनेटली दुनिया का सबसे धारदार हथियार ये सिम इजेक्टर टूल आपको देखने के लिए मिलता है। उसी के अलावा देखा जाए तो यहां पर आपको एक छोटा सा पाउच दिया गया है एंड इस पाउच के अंदर आपको मिलता है एक टाइप सी टू 3.5 mm जैक एडाप्टर। ये काफी अच्छी बात है कि इन बॉक्स आपको ये एडाप्टर दिया गया है। फोन के अंदर आपको 3.5 mm जैक नहीं दिया गया है, लेकिन एडाप्टर जरूर से आपको मिलता है। इसी के अलावा अगर देखा जाए तो कुछ पेपर वर्क है एंड उसी के अलावा एक यहां पर आपको ट्रांसपेरेंट केस मिल जाता है, जो कि बढ़िया क्वालिटी का है, थोड़े टाइम में पीला हो जाएगा। इसके बाद में अगर देखा जाए तो बॉक्स में यहां पर आपको रखा हुआ मिल जाता है आपका फोन, जिसको थोड़ी देर मैं साइड में रखता हूं। एंड उसी के अलावा बॉक्स कंटेंट देख लिया जाए तो यहां पर आपको 67 वॉट का चार्जिंग ब्रिक दिया गया है, काफी बड़ा सा ब्रिक है। एंड उसी के अलावा एक टाइप ए टू टाइप सी केबल मिलती है। अब हो गया बॉक्स कंटेंट का काम खत्म, बॉक्स को कर देते हैं साइड में और सबसे पहले बात कर लेते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की। सबसे पहले इस फोन के इस रैपर को मैं उतार देता हूं एंड भाई साहब ये फोन आप देखो, प्रीमियम लगता है भाई साहब, प्रीमियम लुकिंग फोन है, काफी गुड लुकिंग फोन है। एंड इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ये फुल ग्लास बिल्ड है, ग्लास फ्रंट दिया गया है, ग्लास बैक यहां पर आपको मिलता है, प्लास्टिक का फ्रेम आपको मिलता है। एंड ग्लास होने के बावजूद भी इसका जो वेट है वो बहुत ज्यादा नहीं लगता है, वेट मैनेजमेंट भी काफी सही से किया गया है। सो ओवरऑल इन एंड फील जो है वो फोन का काफी अच्छा है। हालांकि फोन थोड़ा सा बड़ा है तो सिंगल हैंड यूसेज में थोड़ी सी दिक्कत देता है भाई, एक हाथ से आप इसको यूज नहीं कर पाते, दो हाथ से आपको यूज करना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल भाई साहब बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन फोन का काफी अच्छा है। बैक पैनल से देखेंगे काफी प्रीमियम सा डिजाइन है, ग्लास बैक है एंड फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। भाई फिंगरप्रिंट बहुत ज्यादा लगते हैं इस फोन के ऊपर, तो अगर आप कवर लगा के रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज इस फोन को आपको बार बार साफ करना पड़ेगा। बाकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की बात करें तो सुपर बिल्ड क्वालिटी है, सुपर डिजाइन है, प्रीमियम फील देता है। बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के मामले में आपको बिल्कुल शिकायत नहीं आएगी, बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन सॉलिड दिए गए हैं। डिस्प्ले की बात करते हैं, इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6.67 इंचेस का डिस्प्ले, जो कि फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है एंड सैमसंग का E4 एमोलेड पैनल दिया गया है। ये तो स्पेसिफिकेशंस की बात हो गई। यहां पर मैंने कंटेंट वॉचिंग करके देखा और कंटेंट वॉचिंग में सीरियसली मजा आता है भाई। यहां पर कलर्स काफी शार्प आपको देखने के लिए मिलते हैं, ब्लैक्स आर डीप ब्लैक्स एंड कंटेंट वॉचिंग में सीरियसली बहुत सही लगता है। यहां पर आपको HDR10 प्लस का भी सर्टिफिकेशन मिल जाता है, वाइड वाइन L1 का भी सर्टिफिकेशन मिल जाता है एंड साथ ही में यहां पर आपको डॉल्बी विजन का भी सर्टिफिकेशन दिया गया है। एंड यहां पर मैंने Amazon Prime पर मूवीज वगैरह देख करके देखा एंड सीरियसली जो कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस है वो आपका बहुत अच्छा रहेगा, कंटेंट वॉचिंग में बहुत मजा आएगा, कलर्स, व्यूइंग एंगल्स, सारी चीजें आपको अच्छी मिलती है, शार्पनेस काफी अच्छी है। सो ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग के लिए एक नंबर डिस्प्ले है, कंटेंट वॉचिंग में आपको शिकायत नहीं आएगी। ब्राइटनेस की अगर बात करेंगे तो ये जो डिस्प्ले है इंडोर में तो काफी ब्राइट है, इंडोर ब्राइटनेस में आपको बिल्कुल शिकायत नहीं आएगी, लेकिन आउटडोर में थोड़ी सी दिक्कत आपको देता है, थोड़ी सी हल्की सी, मतलब अगर आपको फोन को यूज करना है तो आप कर सकते हैं, बाकी ब्राइटनेस इसकी अच्छी आपको मिल जाती है। उसके बाद में अगर बात करेंगे यहां पर रिफ्रेश रेट की, तो यहां पर 120 हर्ट्ज का आपको हायर रिफ्रेश रेट दिया गया और 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। साथ ही साथ यहां पर आपको MEMC टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो कि फ्रेम रेट्स को इंटरपोलेट कर देती है, थोड़ा सा बढ़ा देती है। एंड यहां पर जो एक्सपीरियंस रहा मेरा फोन के साथ में काफी स्मूथ है, काफी स्मूथ है
एंड मजा आता है फोन को यूज करने में जब आप स्क्रॉल वगैरह करते हैं, यूट्यूब पर फीड को स्क्रॉल करते हैं, कुछ भी करते हैं, सो काफी स्मूथनेस फील होती है एंड कोई भी जिटरीनेस अभी तक फील नहीं हुई है। सो ओवरऑल अगर बात करेंगे डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में, डिस्प्ले क्वालिटी मेरे को काफी पसंद आई है इसकी, और डिस्प्ले के लिए मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड कर सकता हूं कि इस फोन के अंदर आपको वन ऑफ द बेटर डिस्प्लेस देखने के लिए मिलता है इस प्राइस सेगमेंट का। अब परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो आपको पता है भाई साहब कि यहां पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट दिया गया है जो कि परफॉर्मेंस आपको अच्छी देता है और स्टेबल परफॉर्मेंस देता है, ये तो हमने बहुत बार बोला है। यहां पर मैंने इसको टेस्ट करके देखा, 7 नैनोमीटर का चिपसेट है, हीटिंग का इशू कम मिलना चाहिए, लेकिन इस फोन के साथ में हल्का फुल्का हीटिंग का इशू मुझे देखने को मिला है जब मैंने बैक टू बैक सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट रन किए थे। ये जो फोन है यहां ऊपर की तरफ से काफी गर्म सा हो रहा था, लेकिन बाकी गेमिंग वगैरह के टाइम पर मेरे को यहां पर कोई हीटिंग का इशू देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन हां एंटूटू रन करते टाइम एंड स्पेशली सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट रन करते टाइम यहां पर हीटिंग का इशू मुझे देखने के लिए मिला था। बाकी डे टू डे की परफॉर्मेंस की अगर बात कर लें, डे टू डे की परफॉर्मेंस आपको बटरी स्मूथ मिलती है, कोई दिक्कत आपको नहीं आती है, कोई जिटरीनेस नहीं, कोई लैग्स नहीं, ऑलमोस्ट बटरी स्मूथ परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है, तो डे टू डे की परफॉर्मेंस में आपको शिकायत नहीं आती है। बेंचमार्क स्कोर्स की अगर बात कर लें तो यहां पर मैंने बैक टू बैक 3 बार थ्रॉटल टेस्ट रन किया, फर्स्ट टाइम में 91% पर थ्रॉटल किया, सेकंड टाइम में 92% पर एंड थर्ड टाइम में भी 92% पर थ्रॉटल किया था, मतलब काफी स्टेबल परफॉर्मेंस यहां पर आपको देखने के लिए मिलती है। इसके बाद में मैंने एंटूटू टेस्ट रन करके देखे एंड एंटूटू के स्कोर्स की बात करें तो फर्स्ट टाइम में आया था 666,132 पॉइंट्स, सेकंड टाइम में आया था 659,208 पॉइंट्स एंड थर्ड टाइम में आया था 661,183 पॉइंट्स। परफॉर्मेंस काफी सही यहां पर निकल के आ रही है। लास्ट में मैंने गीकबेंच टेस्ट रन करा एंड गीकबेंच पर सिंगल कोर का स्कोर निकल के आया था 979 पॉइंट्स एंड मल्टी कोर का जो स्कोर आया था वो आया था 3,296 पॉइंट्स। ये बात हो गई बेंचमार्क स्कोर्स की। बाकी अगर ऑनेस्टली मुझसे पूछा जाए तो अभी तक इन 24 घंटों में मुझे परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है। गेमिंग की अगर बात करें तो यहां पर मैंने BGMI इंस्टॉल कर रखा है और उसको मैंने काफी देर तक खेला, अप्रॉक्सिमेटली 30 से 35 मिनट तक मैंने उसमें गेमिंग करी है। सबसे पहले सेटिंग की अगर बात कर ले तो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम 60 FPS का ऑप्शन मिलता है, बैलेंस पर भी एक्सट्रीम मिल जाता है, हाई पर भी एक्सट्रीम है, HD पर भी एक्सट्रीम है एंड HDR भी यहां पर आपको मिल जाता है, साथ ही साथ अल्ट्रा HD के सेटिंग भी आपको मिल जाती है। तो सेटिंग्स काफी सारी मिलती है, आपको जिस ग्राफिक्स पर खेलना है उस पर आप एंजॉय कर सकते हैं। बाकी मैंने गेमिंग करके देखी, 60 FPS कांस्टेंट यहां पर आपको मिल जाते हैं एंड बिल्कुल भी शिकायत आपको नहीं आती और गेमिंग का जो एक्सपीरियंस था वो मेरा काफी सही रहा था, कोई स्टटर्स नहीं, कोई लैग्स नहीं, कुछ भी नहीं, बटरी स्मूथ गेमिंग यहां पर मैंने करी है एंड यस गेमिंग का एक्सपीरियंस मेरा काफी सही रहा है। इसके बाद में यहां पर आपको LPDDR5 RAM मिलती है और UFS 3.1 वाला स्टोरेज दिया गया है एंड ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो काफी अच्छी है, मतलब नॉट द फास्टेस्ट लेकिन अच्छी है। वैसे अगर देखा जाए तो UFS 3.1 वाले दूसरे फोन्स भी मैंने इस्तेमाल किए हैं एंड वहां पर थोड़ी सी फास्ट लोड होती है एप्लीकेशंस, यहां पर मुझे ओके परफॉर्मेंस लगी है इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज। यहां पर जो स्टोरेज है वो कंपैरेटिवली मेरे को थोड़ा सा उतना फास्ट नहीं लगा। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आने वाली है, परफॉर्मेंस सॉलिड आपको मिलने वाली है। कैमरास की अगर बात करें तो 3 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ है, 64+8+2 मेगापिक्सल्स के 3 कैमरास पीछे की तरफ है OIS के सपोर्ट के साथ में एंड फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा मिलता है। नाउ कैमरास को मैंने बहुत ज्यादा यूज तो नहीं करा लेकिन थोड़ी बहुत जो इमेजेस कैप्चर करी है अभी तक मुझे जो इमेजेस है वो थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट लगी है, कहीं कहीं पर बहुत अच्छे डिटेल्स आते हैं, कहीं कहीं पर नॉइस देखने के लिए मिलता है, स्पेशली अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की बात करें तो काफी ज्यादा टाइम पर नॉइस मिलता है, लेकिन कभी कभी बहुत आउटस्टैंडिंग इमेजेस भी आ जाती हैं। प्राइमरी कैमरा की अगर बात करें तो थोड़ी सी ओवर सैचुरेटेड एंड थोड़ी सी वार्म टिंट पर मुझे लगी है कि फोटोज निकल करके आती है एंड नाइट की भी अगर बात करें तो नाइट में भी आपको अच्छी इमेजेस देखने के लिए मिल जाती है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सो फार द कैमरा इज डूइंग गुड, लेकिन डिटेल्ड कैमरा रिव्यू में मैं आपको बताऊंगा भाई कि एक्चुअल में इसका कैमरा कैसे काम करता है। सेल्फी कैमरा की भी अगर बात करें तो अच्छी लाइटिंग में अच्छी इमेजेस निकल करके आ जाती है, इंडोर की अगर बात करेंगे तो ठीक ठाक इमेजेस निकल करके आ जाती है एंड डिटेल कैमरा रिव्यू में हम उसको कवर कर ही लेंगे, बाकी आपने फोटोज देख ही ली है। एंड इसी के अलावा वीडियो की अगर बात करें यहां पर आपको OIS का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है एंड सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं उसी चीज को लेकर के था, लेकिन अभी तक जितने वीडियोस मैंने बनाए हैं मुझे बहुत ज्यादा स्टेबलाइजेशन देखने के लिए नहीं मिला है। हाँ, यहां पर आपको सुपर स्टडी वाला मोड मिलता है लेकिन थोड़ा सा क्रॉप इन हो जाता है एंड आई डोंट नो कि वीडियो कैसे काम करने वाला है, तो डिटेल्ड कैमरा रिव्यू में ही मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो एक्चुअल
कैमरा है वीडियो एंड इमेजेस के लिए वो कैसा परफॉर्म करता है। सो फार जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो बढ़िया रहे हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, थोड़े से बेटर इमेजेस हो सकती थी। बैटरी की अगर बात करेंगे तो 4500 इमेज की बैटरी यहाँ पर आपको मिलती है 67 वॉट की चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में, एंड 67 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर दिया भी गया है। लेकिन इस फोन को जब मैंने फुल चार्ज किया तो इस फोन को टाइम लगा लगभग 1 घंटे 3 मिनट के आसपास, एंड 4500 एमएएच की बैटरी को चार्ज करने के लिए 67 वॉट के चार्जर को इतना समय नहीं लगना चाहिए। यहां पर ये जो बैटरी थी ये पहले 47 मिनट्स में 80% पर पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद में लगभग 16 मिनट और लगे हैं इसको 80 से 100% तक जाने में। सो टोटल 0 से 100% तक का जो टाइम है वो मेरे को थोड़ा सा ज्यादा लगा है। बाकी बैकअप की अगर बात करें तो डिसेंट बैकअप आपको मिल जाता है, 4500 एमएएच की बैटरी है तो ज्यादा एक्सपेक्ट आपको नहीं करना चाहिए, 7.5-8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको मिल सकता है। हालांकि डिटेल्ड बैटरी रिव्यू में मैं आपको बताऊंगा भाई कि एक्चुअल में कैसे काम करता है। बाकी सो फार चार्जिंग स्पीड मेरे को काफी कम लगी है, चार्जिंग स्पीड बेटर हो सकती थी। इसके बाद में स्पीकर्स की अगर बात करेंगे तो इस फोन के जो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हैं, क्योंकि बैलेंस्ड ऑडियो निकल करके आता है, क्रिस्प ऑडियो है, एंड साथ ही में जो स्टीरियो इफेक्ट है वो भी आपको काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है। एक ऑडियो सैंपल आप सुन लो एंड उसके बाद में आगे चलते हैं। तो भाई साहब ऑडियो क्वालिटी जो है वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड लाउड है, क्रिस्प है और मजा आता है भाई। ऑडियो क्वालिटी में आपको बिल्कुल शिकायत नहीं आएगी। स्पीकर क्वालिटी यहां पर आपको बहुत अच्छी दी गई है। नाउ फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात कर लें या बायोमेट्रिक्स की बात कर लें तो फिंगरप्रिंट स्कैनर इज अ नाइटमेयर, क्योंकि भाई साहब काफी दिक्कत देता है, एक बार में खुलता ही नहीं है, आपको दो दो तीन तीन बार प्रेस करना पड़ता है जब जाके ये ओपन होता है। एंड यस, फिंगरप्रिंट स्कैनर थोड़ा सा बेटर हो सकता था। फेस अनलॉक की अगर बात करेंगे तो फेस अनलॉक बढ़िया काम कर जाता है, लेकिन फिंगरप्रिंट स्कैनर पर ध्यान देने की जरूरत है। आई होप अपडेट के थ्रू ये चीज फिक्स की जा सकती होगी। तो मेरे हिसाब से जो बायोमेट्रिक्स है वो ठीक ठाक काम कर जाते हैं, बहुत ज्यादा मजा आपको नहीं आएगा। और फिंगरप्रिंट स्कैनर तो काइंड ऑफ इरिटेटिंग है, काफी इरिटेट करता है भाई, मजा ही नहीं आता उसको यूज करने में। इसके बाद में अगर बात करेंगे यहां पर ओएस की तो यहां पर आपको एंड्रॉइड 12 दिया गया है एंड उसी के साथ में मिलता है आपको MIUI 13। और MIUI 13 को लेकर के ये धारणा बनी हुई है कि बग्स काफी सारे होते हैं एंड हमेशा दिक्कत देता है, तो अभी तक तो भाई साहब मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आई है। पिछले 24 घंटे से मैं इसको यूज कर रहा हूं एंड अभी तक एज सच मेरे को कोई लैग्स, UI लैग्स या फिर कोई बग्स वगैरह देखने के लिए अभी तक नहीं मिले हैं। ब्लोटवेयर्स की अगर बात करेंगे तो हां, कुछ ब्लोटवेयर्स यहां पर आए थे जिनको मैंने इंस्टॉल कर दिया है, कुछ हैं जिनको अनइंस्टॉल आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर का अभी तक बढ़िया रहा है, ज्यादा दिक्कत आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में नहीं आने वाली है। नाउ सिम स्लॉट की अगर बात करें तो यहां पर आपको डुअल नैनो सिम लगाने का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहां पर एक्सपेंडेबल स्टोरेज आपको नहीं दी गई है, जो स्टोरेज यहां पर दी गई है आपको वही यूज करना है, यहां पर मेमोरी कार्ड आप नहीं लगा सकते हैं। ओवरऑल अगर बात करें कंक्लूजन की, जो 24 घंटे में मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं इस फोन के साथ में वो काइंड ऑफ मिक्स्ड रहे हैं। यहां पर बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है, डिजाइन काफी पसंद आया, डिस्प्ले इसका मुझे बहुत पसंद आया, परफॉर्मेंस मेरे को अच्छी लगी लेकिन बेटर हो सकती थी, कैमरास में भी उतना ज्यादा मजा मुझे नहीं आया क्योंकि जो इमेज क्वालिटी है वो थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट मुझे लगी। चार्जिंग की अगर बात करें तो यहां पर स्पीड जो है वो मुझे काफी ज्यादा स्लो लगी है कंपैरेटिवली दूसरे फोन्स की अगर हम बात करें। एंड ओवरऑल अगर देखा जाए तो मिक्स्ड रिएक्शन है मेरे इस फोन को लेकर के। फोन अच्छा है, एक अच्छा डेली ड्राइवर हो सकता है, लेकिन कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा है एंड IQOO Neo 6 आई थिंक इससे थोड़ा सा आगे निकल जाता है। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपको रिव्यू कैसा लगा, क्या विचार है आपके पोको F4 5G को लेकर के, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।